हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्रिस्पी जूसी फुल ऑफ चॉकलेटी रेसिपी जिसका नाम है चॉकलेट रोल। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उसमें से एक चीज़ है चॉकलेट। उसी का यूज़ करके हम आज की रेसिपी बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं फुल साइज़ ऑफ ब्रेड। चारों तरफ से उसकी साइड्स को हम कट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमें साइड कट करके ब्रेड को रेडी कर लेना है। जितनी ब्रेड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रेसिपी के लिए, उन सभी को हम साइड से कट करके रेडी कर लेंगे। ये जो ब्रेड का एक्स्ट्रा पार्ट निकला है उसे हम साइड में रख देंगे। ये जो साइड के एजेस निकले हैं ब्रेड के, इसे हमें थ्रो आउट नहीं करना है, इसका बना के रेडी कर लेंगे हम ब्रेड क्रम। लीजिए बनके रेडी हमारा ब्रेड क्रम। इस ब्रेड क्रम को हमें रेसिपी में आगे यूज करना है। ब्रेड क्रम तो बनके रेडी है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जहाँ पे हमें ब्रेड को हल्का हल्का सा पानी लगा लेना है ब्रश की हेल्प से। अब इस ब्रेड को हम रोटी रोलर की हेल्प से रोल कर देंगे और उसे फ्लैट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम इसे फ्लैट कर लेंगे। नई ब्रेड हमने यहाँ पे कट करके रखे, उन सभी को हम हल्का हल्का सा पानी लगा के रोटी रोलर की हेल्प से फ्लैट करके रेडी कर लेंगे। यहाँ हमने ले लिया है 1 टेबलस्पून पानी। उसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून ऑल पर्पस फ्लोर। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और बना के रेडी कर लेना है एक स्मूथ सा थिक बैटर ब्रेड को स्टिक करने के लिए। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं अमूल डार्क चॉकलेट का। आप चाहे तो कोई भी डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो ऑल पर्पज फ्लोर का बैटर हमने बना के रेडी किया था, उसी को हम ब्रेड के चारों तरफ से लगा रहे हैं ताकि जो रोल है वो प्रॉपरली स्टिक हो जाए। चॉकलेट को हमें वन साइड कॉर्नर से रखना है, जहाँ से हम ब्रेड को उठाते हुए उसका एक धीरे धीरे से राउंड करते हुए रोल बना लेंगे। दोनों साइड की एजेस को हमें प्रॉपरली प्रेस करके फिल कर देना है। लीजिए बनके रेडी हमारा पहला रोल। अब बना के रेडी कर लेते हैं बाकी रोल को भी। उसको बनाते हुए हम बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो बैटर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसे हमें ब्रेड के चारों तरफ से अच्छे से कोट करना है ताकि जो रोल है वो प्रॉपरली स्टिक हो जाए। जो बन के रेडी है हमारे रोल, बट इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ हमने ले लिया है ब्रेड क्रम और ले लिया है ऑल पर्पस फ्लोर का बैटर जो हमने बना के रेडी किया था, उसी को हमने थोड़े से बड़े बाउल में लिया है ताकि जो रोल है वो अच्छे से डिप हो जाए। रोल को हमने बैटर में अच्छे से डिप कर लिया है। अब इसे ऐड कर लेंगे ब्रेड क्रम में और इसे चारों तरफ से कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम से। हाथों की हेल्प से हम ब्रेड क्रम को रोल पे अच्छे से कोट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम है हाथों की हेल्प से उसे टैप करके हम हटा देंगे। रोल को हमें बैटर में डिप कर लेना है, चारों तरफ से उसे कोट कर लेना है और उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। सभी रोल को हम सेम प्रोसेस से बना के रेडी कर लेंगे। जितने भी रोल है वो बनके रेडी है। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। ऐड कर लिया हमने यहाँ पे ऑयल और मीडियम फ्लेम पे उसे प्री हीट कर लिया है। अब ऐड कर लेंगे चॉकलेट रोल्स। वन साइड से हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही रोल वन साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे टर्न कर देंगे दूसरे साइड से फ्राई होने के लिए। दोनों साइड से ये प्रॉपरली फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे।
चलिए ऐड कर लेंगे दूसरे रोल भी इसमें फ्राई करने के लिए। इन्हें भी हमने सेम प्रोसेस से फ्राई करके रेडी कर लिया है। अब बढ़ते हैं हमारी मज़ेदार प्रोसेस की तरफ, जहाँ पे हम कर देंगे इनकी प्लेटिंग। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनके रेडी हुई रेसिपी है ये। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं। नॉर्मली ब्रेड एंड चॉकलेट घर में अवेलेबल ही होता है, तो बना के रेडी कर लीजिए ये बढ़िया सा चॉकलेट रोल अपने प्यारे बच्चों के लिए, और इसे खाने के बाद उनके चेहरे की स्माइल देखने के लिए रेडी हो जाए। हम इसे कट करके दिखा रहे हैं कि ये अंदर से कितना बढ़िया और चॉकलेटी बन के रेडी हुआ है। इसे देखते ही आप जान चुके होंगे कि ये बच्चों को कितनी पसंद आने वाली है। लग रही है ना माउथ वाटरिंग। बर्थडे पार्टी हो या हो कोई गेट टुगेदर या फिर हो बच्चों का टिफिन, सभी के लिए बेस्ट रेसिपी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।